कि दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं अब वो दूर नहीं होते। दूसरी इसकी और जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे वहाँ तालीम 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 के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन शऊर के ऊपर और तरबियत के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। यानी शख्स जिसके पास कोई भी डिग्री है किसी डिसिप्लिन की, वो उस डिग्री की बुनियाद के ऊपर तो आगे बढ़ता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसका शऊर, इसकी जो कैपेसिटी फॉर एनालाइजिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। उसकी वजह से हम ये देखते हैं अपने माशरे में कि जिन तबकों से उम्मीद होती है कि इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, चाहे कोरोना के सिलसिले में हो, चाहे और किसी नेचुरल डिज़ास्टर के सिलसिले में हो, तो वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उनसे सादर नहीं होता। वजह उसकी ये कि उनका उनके पास डिग्री हाई होती है, शौरी लेवल जो है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स है वो लेवल कम होता है। इसमें भी कोरोना वायरस फरवरी के आखिर में पाकिस्तान में इसकी आमद आमद हुई, लोगों ने सोचना शुरू किया। आज भी हम आपसे ये बात अर्ज करते हैं कि हमारे पास बीसें लोग हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं, और लोग जो हैं वो खामखाम हुकूमतों ने ऐसा किया हुआ है, ये है। तो जब परसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो जिस उसकी बुनियाद पर जो सोशल रवैये सामाजिक रवैये जो सामने आएंगे वो भी फिर हेल्दी नहीं होंगे। उन SOPs का लिहाज तो उसी वक्त किया जाए जब ये पता हो कि हाँ ख़तरा जो है वो है मौजूद और उसको रियलाइज़ किया जाए। जब रियलाइजेशन नहीं है तो ना वो SOPs हैं और ना ये है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे करीब लोग हैं उनको भी दाव पे लगा रहे हैं। और वो यही चीज़ें जो हैं आपने माशी उसका जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि मसलन ऑक्सीमीटर, फिंगर ऑक्सीमीटर जो 500-600 में मिल जाता था, हमने खुद अपने रिश्तेदारों के लिए 5.5-6 हज़ार में खरीदा है क्योंकि ज़रूरत। तो ये जो चीज़ है ये इसको इंसानियत भी नहीं कहते, इसको कहते हैं बुनियादी तौर पे कि वो शऊर के जो माशरों की कंस्ट्रक्शन में और डेवलपमेंट में उसमें आगे बढ़ता है वो हमारे तालीमी निज़ाम का हिस्सा है। अगर ये चीज़ हो और हम चीज़ों को इस तरह से रियलाइज़ करें कि आज दूसरा मुश्किल में है तो कल हम भी इस मुश्किल में या हमारा कोई अजीज़ मुश्किल में आ सकता है, तो हम वो रवैया ना अपनाएं जो हेल्दी नहीं है, जो माशरे को क्रश करने वाला है, वजह इसको आगे लेके चलने वाला है। डॉक्टर मोहसिन नकवी, आप बहुत बेहतरीन, आपने यकीनन तसल्ली बख्श जवाब हो बड़ा डिटेल में, खुदा करे कि लोग जो सुन रहे हैं वो उसको अब्जॉर्ब करें और उसको इस्तेमाल करें, इस बार इम्प्लीमेंटेशन करें, प्लानिंग करें। सर, आपने रवैयों की बात की, मैं अगला सवाल जो है डॉक्टर सैयद वकास साहब आपसे करूँगी। सर, रवैयों